हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि मैंने यूट्यूब स्टोरी पे डाला था कि 3 दिसंबर जो कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी डेट है, उस दिन मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सो आज चैनल पे आई थिंक फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं और हम दोनों आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम दोनों कैसे मिले, हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। So I hope you will find it very interesting. So let's get started. Hello guys, welcome Aridip. Hello guys, ये मेरे को आधा कैसे ले आई है? My name is Aridip. सो मैं आप लोगों के साथ एक इसकी बैक स्टोरी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई थी ना, तभी मम्मी और पापा ने रिश्ते देखना चालू कर दिया था। मतलब उन्हें था कि बस जल्दी से जल्दी शादी हो जाए मेरी। बट उसके क्योंकि मैं जब कंपनी में ज्वाइन ही किया था तो मेरे को था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए। तो मेरी तो मेरी मम्मी से डील हुई थी कि जब मैं 24 की होंगी ना, प्लीज़ तब आप लड़के देखना शुरू करना, उससे पहले नहीं। समहाउ मैंने उन्हें इस डेट के लिए एग्री कर लिया था। एंड आप लोग मानोगे, मेरा बर्थडे आता है 16 जुलाई को शाम को जब मैं 24 की हुई, मम्मी पापा का फ़ोन आता है कि हम एक लड़का देख के आए हैं और हमें सब ठीक लग रहा है, तू भी अपनी फ्लाइट करा के आ जा। तब मैं पुणे में थी, तू फ्लाइट करा के आ जा और एक बारी तुम मिल लेना, बेशक फिर तू वापस चले जाना, जो भी तुम्हें जब भी तुझे फिर शादी करनी है तब कर लेंगे। और मैं उस टाइम पे कितनी शॉक हुई थी कि आज 24 हुई है, मतलब आज से प्रोसेस शुरू होना था। ये नहीं था कि आज ही आप लोग सब कुछ फाइनल फिलिंग करके आ जाओगे। फिर मैं फ्लाइट वगैरह करके वहाँ पर आई और हमारी फैमिली से मिलने की डेट डिसाइड हुई। तो 16 जुलाई को ये हुआ था, फिर 30 जुलाई को हमारी फैमिली आपस में मिली। अच्छा, और हमारी फैमिली में भी वैसे काफ़ी सारे जने आए हुए थे उस दिन। मेरी भी बुआ जी आए हुए थे, आपकी भी बुआ जी आई थी, चाचा चाची थे, तो मतलब ऑल इन ऑल काफ़ी लोग आए हुए थे उस दिन। ऐसा नहीं था कि वॉज वेरी मतलब ऐसे मम्मी पापा के बीच वाला नहीं था, काफ़ी सारे लोग थे उस दिन जब हम लोगों को मिलना था। मेरी दादा दादी भी थे, काफ़ी जने थे उस दिन घर में। उस दिन था तो ये कि हमें मिलना है, देखना है कि कैसा है, लेकिन दोनों तरफ से लोगों ने तैयारी ऐसी की थी कि हाँ पक्का रोका ही रहना है, सब कुछ फाइनल है, फिक्स है, तुम बस हाँ करो चला करो, सब कुछ होने लगे। ऊपर से कहने को था कि हाँ तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें हाँ करनी है तो हाँ करो, नहीं अगर नहीं पसंद है तो मना कर देना, तुम्हें बात करने का मौका मिलेगा, उसके बाद बताना, उसी के बाद कुछ करेंगे। हाँ, वो एक जैसे हमें बोला हुआ था कि नहीं नहीं तुम्हारे ही हाथ में है सब कुछ, तुम लोगों को मिलाया जाएगा, तुम जो तुम्हें ठीक लगेगा और फिर वही किसी डिसाइड करेगी। लेकिन दोनों फैमिलीज की साइड से सब कुछ प्रिपरेशन ऐसे था कि हुई हुई थी। और तो ऐसे हम जब ऐसे वो टिपिकल ऐसे जब हम बैठे आमने सामने, फिर हमें हम जैसे मैं कमरे में आई जब सब जने थे वहाँ पे, फिर चाचा जी ने बोला, इनकी चाचा जी ने बोला था कि ठीक है अभी बच्चों को बात करने देते हैं, फिर हम लोग रूम में गए थे बात करने के लिए। तो फिर जब हम लोग मिले तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन था कि तुम बहुत डरी हुई हो ना, यही था ना? तो फिर मैंने बोला था हाँ मैं बहुत डरी हुई हूँ। और उसमें पता है एक और चीज़ हुई थी, मैं ना एक चीज़ के लिए क्लियर थी पहले से कि मुझे ना जॉब करनी है आफ्टर मैरिज भी, भाई मैं ऐसे नहीं खाली बैठना चाह रही थी। और मेरी मम्मी ने ना मुझे पहले ही कह के भेजा था कि जब तुम बात करोगे ना, नौकरी का जिक्र बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कभी ये बात आए कि मैं तो नौकरी करूँगी, ये है वो है। तो फिर जब हम अंदर बात कर रहे थे, मैंने कहा देखो अंदर मम्मी तो सुनने से बैठी नहीं है कि हाँ मम्मी सुनेगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जब हमने बात शुरू की ना, मैंने सबसे पहले इनसे यही बात की थी कि मैं ना जॉब नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर मैरिज मेरे पास जॉब नहीं है और मैं घर में खाली बैठी हूँ। और मतलब इन्होंने फिर क्या रिप्लाई दिया था, आपको याद है आपने क्या बोला था? याद है? हाँ मैं भी चाहता हूँ। हाँ इन्होंने बोला है मुझे खुद खाली बिठाना नहीं है, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम भी वर्किंग रहो। बट ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर फैमिली प्रायोरिटी मांग रही है तो तब भी तुम जॉब ही करियो। मैं कह नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बैलेंस मैं पूरी पूरी रखने की कोशिश करूँगी कि जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ फैमिली ज़्यादा टाइम मांग रही है तो फैमिली को टाइम देना है। अच्छा, फिर
अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जनरली मुझे ऐसा लगता था कि लड़कियाँ ज़्यादा सवाल पूछती हैं क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा डरी हुई होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। आर्टिकली हमारे वाले केस में इन्होंने मुझसे भर के सवाल पूछे थे और मैं ऐसे चुपचाप बैठी थी। ये अपने सारे दोस्तों की मैरिजेज में से उठा उठा के मुझसे सवाल पूछ रहे थे, फलां की मैरिज में ऐसा हुआ था तुम तो ऐसा नहीं करोगी, फलां की मैरिज में उन्हें बाहर जाने नहीं देते हैं, घूमना अलाउड नहीं होता, ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। मतलब अगर मैं उस टाइम पे हाँ या ना कर रही हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला था वैसे, बट ठीक है भाई तो बंदा पूरी ठोक हो जाती है। तो इनका तभी शायद डिसाइडेड था थोड़ा सा कि इन्हें जापान जाना हो सकता है, तब ये मुझसे पूछ रहे थे अगर मैं जापान गया तो ऐसा तो नहीं है कि तुम जॉब नहीं छोड़ोगी, तब मैंने कहा नहीं नहीं मैं छोड़ दूंगी, जापान के लिए जॉब छोड़ दूंगी। तब मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तभी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे नहीं हुई है। अच्छा फिर हम थोड़ी सी फिर बात करते, इतनी देर में फिर कोई आ जाता, और ऊपर से मेरे घर वालों की मेंटेलिटी ये थी कि दो दिन मिलके भी कौन क्या हो जाएगा, पता लगे तुम्हें दो दिन के बाद भी ऐसा लगे कि नहीं अभी भी नहीं हम एक दूसरे को जाने, हमें और टाइम चाहिए, तो क्या हम लोग बैठे रहेंगे तुम दोनों के लिए। तो इन शॉर्ट किसी ने नहीं हमारी सुनी थी उससे। आ जाओ बताओ भाई क्या बात हुई कैसे रहा। मैं ना उसके बाद जस्ट क्या, उसके बाद थोड़ा हम जब कमरे से बाहर निकले तो मुझे मेरे मम्मी पापा लेके गए, ये ड्राइंग रूम में गए वहाँ पे, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पूछा कि क्या है क्या नहीं है, मैं बहुत डरी थी, मैं रोने लग गई थी, मतलब मुझे ना ही समझ में आ रहा था कि एकदम ये हो क्या रहा है, मतलब लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन जस्ट आधे घंटे में ही सब रैप अप होता दिख रहा था। अच्छा फिर ये ड्राइंग रूम में बैठे थे और ये वाला ये वहाँ तो मैं लिटरली लड़ रहा था घर वालों से कि भाई जब आपको हाँ करना ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, सिर्फ स्टैंप लगवानी है कि तूने भी हाँ कहा था। मैं लिटरली लड़ रहा था कि भाई पहले आप लोग कहते थे कि तेरी मर्जी के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, तू हाँ करेगा तो ही होगा, यहाँ तो आप लोग सब कुछ तैयारी करके बैठे हो, इतना में गेट खुलता है, फिर मैडम के पापा आते हैं, वो बोलते हैं आदित्य जी मेरे पापा को, तो क्या हम पक्का समझे, इतना पापा बोलते हैं बच्चों से पूछो, पीछे से गेट से इसके पापा के पीछे से इसके भैया आते हैं मिठाई का लेके, ओ जी बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लो जी हो गया। ये इस बात का ताना मुझे बहुत बारी दे चुके हैं, किसी ने हाँ नहीं करी किसी ने ना नहीं करी, वो मिठाई का डब्बा आया और हो गया। ये इस बात का ताना मुझे बहुत बारी दे चुके हैं कि मेरी भी कि मुझसे भी पूछा नहीं गया था शादी के होते हुए टाइम पे, सीधा मुंह में लड्डू डाला गया। बस वो उसके बस हो गया, और उसके बाद बिठा के वो तिलक और वो फोटो फोटो सबको फोन कर दो, हाँ हो गया हो गया। हाँ उसके बाद तो फोन व्हाट्सएप पे फोटो, व्हाट्सएप पे फोटो चली गई, लो भाई जो पहले सोचा था कि हाँ मिलेंगे बात करेंगे अच्छे से जानेंगे, हाँ तो पता चला रिंग मैरिज भी ऐसी हुई कि आधा घंटा भी नहीं मिला। के बाद अब मैं ना अपनी रोकी वाली आप लोगों के साथ अभी इसके साथ ही फोटो अटैच करूंगी, आप देखना ऐसे लग रहा है किसी को मार पीट के दोनों को खड़ा किया। उसके बाद फिर एक इंटरेस्टिंगली ये चीज हुई थी कि नेक्स्ट डे हम ये नेक्स्ट डे जीजू के पास चले गए थे पानीपत, फिर इन्होंने पापा के पास फ़ोन किया था कि क्या पापा अब हम मिल सकते हैं, अब रिश्ता भी हो गया है, तो फिर हमने नेक्स्ट डे हम मिले थे, हमने थोड़ी डिस्कशंस की थी कि एक सेकेंड, तो फिर हम नेक्स्ट डे मिले थे तो हमें थोड़ा लगा कि नहीं ठीक है, तो थोड़ा एक जो मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, बहुत ज़्यादा एकदम से जो चीज़ें हुई उस उनको लेके वो थोड़ा सा माइंड फिर रिलैक्स हुआ। That's all. So, ये थी हमारी शुरुआत शादी की जर्नी की। Don't forget to like, share and subscribe. ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैंने वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं like related to Japan and related to more other stuff.